अभिषेक अपनी मम्मी को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं और उन्होंने एक ऐसा चीज कर दिखाया है जिससे उनकी मम्मी जी जो है बहुत ज्यादा खुश होने वाली है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ ये लेटेस्ट अपडेट। अगर आप भी ऐसा काम करें तो क्या आपकी मम्मी खुश होगी, बताइए जरूर पूरी अपडेट जानने के बाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हालांकि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता और कोई काम जो है कोई रॉकेट साइंस नहीं होता, सब काम सब लोग कर सकते हैं। जैसे कि कभी मुसीबत आती है तो भाई सबको बोलते है ना कि गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, वैसे सब चीजें होती है, इसीलिए कहावत जो है बड़े बुजुर्गों ने बनाई है। वहीं पर जो है अभिषेक का एक इंट्रो आप लोगों ने देखा था जहां पर उनकी मम्मी बोलती है यार तू बिग बॉस में जा रहा है, बिग बॉस में काम करना पड़ता है, बर्तन धोने पड़ते हैं, तू तो खा के अपनी पेट भी साइड में कर देता है। जहां पर ये इंटरव्यू देखने के बाद भाई सबको पता चल गया कि अभिषेक जो है कुछ काम नहीं करते, घर के अंदर जाके कैसे काम करेंगे, पर अभिषेक जो है बर्तन धो रहे हैं। पूजा भट्ट से बात करते हुए नजर आए कि भाई मेरी माँ अभी देखेगी तो वो बहुत खुश होगी कि ये बर्तन धो रहा है। हालांकि क्या आप लोगों ने बर्तन धोए हैं कभी? लड़कियों ने तो डेफिनेटली धोए होंगे, मैंने तो बहुत ज्यादा धोए हैं, मैं तो हाथ भी कभी कभी दर्द होने लग जाते हैं बर्तन धो के। पर लड़कों से मैं पूछना चाहती हूँ, इवन काफी सारी लड़कियां भी ऐसी जो कि बर्तन नहीं धोती हैं, लड़कों से स्पेशली पूछना चाहती हूँ कि आप धोते हैं बर्तन? अगर धोते हैं तो क्या आपकी मम्मी खुश होती है? आपकी मम्मी बोलती है कि नहीं मत धो, तू तो लड़का है? बताना जरूर अपना सीक्रेट। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।